आज गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने कुछ अनोखे अंदाज के साथ मोदी और योगी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पहले तो उन्होंने गाजीपुर बॉर्डर पर ही मिट्टी गिराकर गन्ने और आलू की बिजाई कर यह संदेश दिया कि सरकार उन्हें जितना मर्जी परेशान कर ले, फिर भी वह खेतीबाड़ी करना नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद उन्होंने गमलों में फूल लगाकर मोदी सरकार को क्या संदेश दिया, आइए आपको किसानों के द्वारा ही सुनाते हैं। पहले अपना नाम बताइएगा। सर, हमारा नाम इकबाल सिंह है। इकबाल जी, कहाँ से आप आए? हम ब्लॉक खतौली, खतौली से, तहसील खतौली, जिला मुजफ्फरनगर, गांव खानपुर। खानपुर से आप आए हैं, पेड़ पेड़ का मतलब क्या है? सर, ये पेड़ का मतलब जो है, जैसे हमारी सरकार ने हमें पहले भी वो घोषित करा, ये तो आतंकवादी है और हमारे लिए कांटों वाले तार लगवाए सड़क पे, वे त्रिशूल वाले वे लगाए सरिए। तो हम ये सरकार को बार बार मैसेज भेजना चाह, हम शांति के पुजारी हैं, महात्मा गांधी के ही वंशज से हम हैं और हमने, हमारे दादा बाबा इसी में चले गए, इसी मिट्टी में मर गए, इसी में चले गए, जन्म भी यहीं लिया और मरे भी। हम सरकार को मैसेज भेजना चाह, हमने यहाँ कल ये पौध लगाई थी और सरकार ने, हमारी जो मुख्यमंत्री योगी जी हैं, इन्होंने प्रशासन के द्वारा ताकत दिखाने खातर हमारे फूल उखाड़ दिए और हमने फिर आगे जो हमारे झंडे थे यूनियन के, वे भी उखाड़ के फेंक दिए और उनसे आगे कब्जा कर लिया, जो हमारी मिट्टी पर कब्जा कर लिया। सर, हम दोबारा फिर मिट्टी डाल लेंगे और फिर फूल लगाऊंगे। हम सरकार को ये मैसेज भेजना चाहते हैं, अगर 50 बार भी 100 बार भी तब हमारी फुलवाड़ी उजाड़ोगे और मिट्टी पर कब्जा करोगे, हम बार बार ये करते रहे। हम शांति के पुजारी हैं, शांति से हम अन्नदाता खुवाते हैं और आपको खुवाते रहे। हमारी सरकार क्या, भगवान से भी यही प्रार्थना है, हमारे में बार बार आपदा आती है, कभी ओले पड़ते हैं, कभी तूफान आता है, कभी बारिश होती है, कभी आग लग जाती है। हमारी सर यही प्रार्थना है, अगर जय बार भी हमारे पे आपदा होगी, आग लगेगी, फिर भी हम धैर्य से अपने धैर्य को नहीं छोड़ेंगे और हमारा मैसेज चाह। दोस्तों, आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली हर खबर की नोटिफिकेशन मिलती रहे।